जहां पूरे देश में 88 साल की धर्मेंद्र की चर्चाएं हो रही हैं, हर कोई यही पूछ रहा है कि धर्म जी आपने 88 साल की उम्र में किसिंग सीन करके देश भर में खास रिकॉर्ड पेश किया है। हर तरफ धर्म जी की खबर से अफरा तफरी मची है, तो सिर्फ हेमा मालिनी ही इस खबर से अनजान है। उन्हें अभी तक नहीं पता चला कि धर्मेंद्र की कौन सी पिक्चर है, क्या सीन है और क्या क्या हुआ। इसका मतलब साफ है कि हेमा धर्मेंद्र के साथ नहीं रहती है, फोन पर भी एक दूसरे का हाल चाल नहीं जानते हैं। दरअसल अभी अभी हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की किसिंग सीन पर रिएक्शन सामने आया। हेमा ने कहा कि मैंने अभी तक वो सीन नहीं देखा और हंसकर कहने लगी, धर्म जी के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो हर समय कैमरे के सामने रहना पसंद करते हैं, वो अपने काम को बहुत प्यार करते हैं, दर्शकों का उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, यकीनन उनकी ये फिल्म हिट जाएगी। अब इस बयान के सामने आने के बाद ही हेमा के फैंस पूछ रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं या फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो जलन के लिए हेमा को ऐसा रिएक्शन देना पड़ रहा है। धर्मेंद्र की किसिंग सीन की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन लगता है हेमा मालिनी देश के बाहर रहती हैं, जिन्हें धर्मेंद्र के किसिंग सीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक तरह से उन्होंने धर्मेंद्र की और उनकी फिल्म की, उनकी एक्टिंग की धज्जियां उड़ा दी, बदनामी करके रख दी। अब भला अपने ही पति का काम कौन नहीं जानता होगा, लेकिन हेमा मालिनी एक ऐसी है जिन्हें कुछ नहीं पता कि उनके धर्मेंद्र क्या कर रहे हैं। जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि उन्हें धर्मेंद्र के किसिंग सीन से कोई आपत्ति नहीं, तो हेमा ने कहा, कौन सा सीन, सच बताएं तो मैंने अभी तक नहीं देखा। अब उसके बाद तो लोग अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं, मुंह खोल लेते हैं, जैसे हेमा मालिनी ने ना जाने कौन सा आतंक कर दिया हो। हो सकता है हेमा मालिनी के पास धर्मेंद्र के सीन का कोई जवाब ना हो, इसलिए उन्होंने बात को खत्म करने के लिए बोल दिया कि मैंने सीन नहीं देखा, या फिर वो अपने पति धर्मेंद्र को शवाना की बाहों में देखकर जलन महसूस कर रही होंगी, इसलिए उन्होंने सीन देखना ठीक नहीं समझा। 75 की उम्र में हेमा मालिनी को वो सबक मिला जो शायद किसी को नहीं मिला होगा। ये उम्र का ही असर है जो हेमा मालिनी अपने पति के किसिंग सीन को इग्नोर करके पहली बार खूबसूरत जवाब देती दिखाई दी। अब आप ही बताइए, क्या हेमा मालिनी ने अब तक धर्मेंद्र का किसिंग सीन नहीं देखा होगा? जो सीन इस वक्त हर तरफ जंगल की आग की तरह फैला हुआ है, वो हेमा मालिनी तक नहीं पहुँचा हो, ऐसा कैसे हो सकता? क्या हेमा मालिनी बॉलीवुड से बिल्कुल गायब होकर राजनीति में मगन हो गई है या जानबूझकर ऐसा कर रही है? इस वक्त हेमा मालिनी से मुलाकात संसद में ही होती है। संसद के बाहर हेमा मालिनी मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र की बेइज्जती करके रख दी। उन्होंने कहा, मैंने धर्मेंद्र का कोई सीन नहीं देखा, धर्मेंद्र ने जो भी किया होगा अपनी खुशी से किया होगा और वो तो हमेशा से ही कैमरे के सामने रहना चाहते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कौन सा सीन है। संसद के बाहर हेमा मालिनी अपने पति के बारे में ऐसा वैसा बोलती रही और वीडियो आते फैंस तमाम सवाल पूछने लगे, क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र से नाराज है जो उनकी फिल्म का सीन भी नहीं देखती? बीजेपी सांसद हेमा मालिनी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में नजर आईं, जिनकी बहुत ही प्यारी फोटोज ने दिल खुश कर दिया, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद रमा देवी से बात करती नजर आईं हेमा मालिनी। हेमा मालिनी 2014 से मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। हाल ही में यमुना में पानी का लेवल बढ़ने से उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा में भी बाढ़ की स्थिति बन गई और घरों में पानी आ गया, जिसका मुद्दा उन्होंने उठाया। हेमा मालिनी ने यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चिंता जताते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा और उनसे नदी के खादर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की अपील भी की। इस मौके पर साड़ी पहने हेमा मालिनी के हाथों में पेपर्स और एक हाथ में बैग काफी प्यारा लग रहा था। हेमा मालिनी का एटीट्यूड काफी खूबसूरत लग रहा था, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि उन्होंने हेमा मालिनी के लिए क्या क्या किया। पूरी जिंदगी ताने सुने, लेकिन हेमा मालिनी को अपना बनाकर रहे। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने अपने 4 बच्चे और बीवी की परवाह भी नहीं की थी, तो एक तरह से हेमा मालिनी उनके लिए किसी कीमती हीरे से कम नहीं है। और इस कीमती हीरे की जगह वो किसी और को कैसे ला सकते हैं? जी हाँ, शवाना आजमी की बात करना, जब से धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शवाना को लिपकिस किया, तब से ऐसी बातें की जा रही है शवाना धर्मेंद्र को अपने प्यार में फंसा रही है। हेमा के मांग का सिंदूर छीन लेंगी और शवाना अपनी मांग में सजा लेंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या हेमा चुपचाप देखती रहेंगी? वो ऐसी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। भले ही प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी हो, लेकिन ये हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी अपने और धर्मेंद्र के बीच किसी तीसरी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी।
धर्मेंद्र बचपन से ही लड़कियों को फ्लर्ट करने में मशहूर थे। एक तरह से धर्मेंद्र के पास लड़कियों को फ्लर्ट करने का हुनर था, लेकिन हेमा को दिल देने के बाद धर्मेंद्र का दिल कोई चुरा नहीं पाया। हालांकि धर्मेंद्र पर कई लोगों ने डोरे डाले, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शवाना आजमी ने उनके संग जानबूझकर लिप किस किया। जी हां, शवाना ने खुद बताया कि वैसे तो किसिंग सीन नहीं करती हैं, लेकिन धर्मेंद्र जैसे खूबसूरत इंसान को कैसे छोड़ देती हैं? ये मौका उनके लिए बहुत कीमती था। मतलब शवाना ने जानबूझकर इस सीन को करवाया। मना भी कर सकती थी, लेकिन यहां वो मना नहीं कर पाई। हैरानी तो तब हुई जब शवाना की बातों में धर्मेंद्र आ गए। जो धर्मेंद्र हेमा के अलावा किसी औरत को दिमाग में भी नहीं लाते थे, उन्हीं धर्मेंद्र ने शवाना की फोटो शेयर कर उनके लिए प्यार भरे शब्द लिखे, प्यार की बरसात कर दी। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र की इन पोस्ट से अंदाजा लग गया कि धर्मेंद्र भी शवाना के प्यार में खींचे चले जा रहे थे। अगर शायद लोग धर्मेंद्र को खरी खोटी ना सुनाते, तो शायद वो भी शवाना के गुणगान करते करते ना जाने हेमा की जगह ही दे देते। वैसे आप क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ जिस तरह से अपनी पूरी जवानी फिल्म इंडस्ट्री में लगाई, आज उसी तरह से वो समाज सेवा, ये यूं कहें कि राजनीति में ईमानदारी से काम कर रही हैं। हेमा मालिनी ने अब सीएम योगी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है। हेमा के पत्र के बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए और हेमा मालिनी के बंगले में बातचीत करने पहुंचे। मथुरा की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सीएम योगी को पत्र लिखा। उन्होंने सीएम योगी से नदी के खादर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। पत्र में कहा कि यमुना में बाढ़ से कई गांव मथुरा वृंदावन में खादर क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित आवासीय कॉलोनी डूब जाती हैं। सरकार को इनके बचाव और राहत कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहां रहने वाले लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। हेमा मालिनी ने सीएम योगी को सीधे खत लिखकर उनसे ये शिकायत की है कि इस समस्या का पालन करें, और अधिकारियों पर वो गुस्सा भी है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पत्र में सांसद ने कहा, कॉलोनाइजर, बिल्डर, भूमाफिया यमुना नदी के खादर में पिछले कुछ साल से लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं, अधिकारियों ने अब तक क्यों नहीं देखा? हेमा मालिनी को इस जिंदगी से बहुत कुछ मिला, जिसकी शायद हेमा ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन एक दुख है जिसके बारे में सोचकर वो घबरा जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो दुख उनकी बड़ी बेटी आहना देओल का है। आहना घर में ऐसी लड़की है जो फिल्म इंडस्ट्री से दूर है। हालांकि उन्होंने ना तुम जानो ना हम फिल्म से डेब्यू किया था, जिसमें ऋतिक रोशन, ईशा, सैफ अली खान थे, लेकिन फिल्म एकदम फ्लॉप रही। उसके बाद आहना का दिल ऐसा टूटा कि उन्होंने दूसरी किसी फिल्म में कमबैक करने का भी नहीं सोचा, घरेलू जिंदगी जीने लगी। लेकिन जब आहना बाहर जाती हैं, तो उन्हें लोग परेशान करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, पूछते हैं कि वो फिल्में क्यों नहीं बनाती हैं, वो अपने माता पिता का नाम खराब कर रही हैं, वो सुपरस्टार कहने के लायक नहीं है। हालांकि आहना कई बार कह चुकी हैं कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, वो घरेलू लाइफ जीने में बहुत खुश है, लेकिन अकेले में ये बातें सोचकर आहना के दिल को चोट लग चुकी है, कई बार रो चुकी हैं। हेमा मालिनी ने बेटी को समझाया और फिर आहना अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन बैबा बोरा से 2014 में शादी कर चुकी हैं। आहना भी अपनी माँ हेमा की तरह बेहतरीन डांसर हैं। ईशा ने भी कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी फिल्म धूम काफी सुपरहिट रही, लेकिन बाद में वो भी गायब हो गई।